हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की प्रथम वर्षगांठ सेंटर फॉर साइंस टर्निंग एंड क्रिएटिविटी शोघी आनंदपुर शिमला में मनाई। ये प्रदेश का दूसरा साइंस टर्निंग सेंटर है जहां बच्चों को विज्ञान मॉडलों के माध्यम से रोचक एवं रचनात्मक ढंग से समझने में सहायता मिलती है। इस अवसर पर हिमकॉस्ट की सदस्य सचिव डीसी राणा ने देश एवं प्रदेश के वैज्ञानिकों को बधाई दी और विज्ञान को बच्चों को साधारण एवं रोचक तरीके से समझने में हिमकॉस्ट द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में बताया। ये दुनिया ने लोहा माना जी। आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के उपलक्ष्य पर मैं सभी को हिमकॉस्ट की तरफ से विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और आज ये राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है, इसकी प्रथम जो है वर्षगांठ है। आज ही हम चंद्रयान 3 जो भारत की जो इसरो जो स्पेस रिसर्च सेंटर है वहाँ से चंद्रमा के ऊपर उतरा था और हमारे जो प्रज्ञान रोवर ने उसने अपनी जर्नी शुरू करी थी। इसकी जो सफलता थी उसको उसके सम्मान के उद्देश्य से भारत सरकार के द्वारा इसे जो है एक अंतरिक्ष दिवस के रूप में, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इसका जो थीम है इस बार वो टचिंग लाइव्स वाइल टचिंग द मून, चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत का जो की अंतरिक्ष जो गाथा है उसके ऊपर आधारित है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष तौर पर सभी जो प्रदेश में साइंटिस्ट हैं, जो यंग साइंटिस्ट जो बच्चे हमारे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हैं उनको अपनी शुभकामनाएं भी भेजी हैं और इसरो के जो साइंटिस्ट हैं उन्हें भी अपनी विशेष जो है वो शुभकामनाएं प्रेषित करी हैं। और पूरे प्रदेश में आज जो है हिमकॉस्ट के द्वारा जो है ये राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है मनाया जा रहा है। हमारे यहाँ आज इसरो के साइंटिस्ट डॉक्टर मनीष पुरोहित और वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं भारत सरकार के डॉक्टर वी के त्यागी, वो दिल्ली से आए हुए हैं और हम इन सभी के साथ मिलकर जो जानकारी स्पेस अंतरिक्ष के बारे में जो है उसके साझा करने के लिए बच्चों के साथ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के बच्चे, लाहौल स्पीति तक के जो बच्चे हैं वो दूरदराज के क्षेत्रों से यहाँ आए हैं और ये आज दिवस हम जो है वो पूरी खुशी के साथ मना रहे हैं। और हम ये शुभकामनाएँ जो है सभी को देते हैं कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत आगे से आगे बढ़े और नए नए आयाम जो है हमारे साइंटिस्ट हमारे वैज्ञानिक छुए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।